नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर का डिज़ाइन बनाने के लिए बताऊंगी। इसे आप अपने बच्चों के स्वेटर में दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसे आप एक लाइन भी दे सकते हैं और पूरे स्वेटर में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी हुई घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाने। सबसे पहले देखिए, आप अपने सिलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लीजिए, जितना फंदा की आपको आवश्यकता है, और उसके बाद आप ये डिजाइन शुरू कीजिए। तो इस डिजाइन को शुरू करने के लिए देखिए क्या करना है। पहला फंदा को उतार लेना है और एक फंदा सीधा, दो फंदा सीधा बना लेना है। फिर जो ये तीसरा फंदा है, इस पर हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे, इससे हम पत्ता बनाएंगे। तो इसको हम ग्रीन कलर के धागा को ऐड इस पे करेंगे और ऐड करके इसको देखिए, हम इस पर जो है तीन फंदा बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा को ऐसे लपेट के इधर ले आएंगे और इस पर फिर से एक फंदा बना लेंगे। तो एक फंदा पर हम तीन फंदा बना लेंगे। फिर देखिए, इस तीन फंदा को हम सीधा से बना लेंगे, सफेद वाला धागा से। एक, दो और एक, तीन, तीन फंदा सफेद से बना लेंगे। फिर एक फंदा को, एक फंदा पे फिर हम तीन फंदा बनाएंगे ग्रीन से, इस तरह से। फिर इसको ऐसे लपेट के आग पीछे की ओर ले जाएंगे और एक फंदा बनाएंगे, तो तीन फंदा हो गया। इस तरह से हम पूरी सिलाई में बनाएंगे। फिर तीन फंदा को सफेद से बुन लेंगे, फिर एक फंदा पे तीन फंदा बनाएंगे, इस तरह से पीछे ले जाएंगे और फिर से इस पे एक फंदा बना देंगे, तीन फंदा। इस तरह से हम पूरी सिलाई में बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा की तरफ से। तो उल्टा की तरफ से देखिए, पहला फंदा को उतार लेंगे और इसको हम उल्टा से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चार फंदा को उल्टा से बना लिए। और अब हम ग्रीन को देखिए, इस तरह से दबाते हुए ग्रीन फंदा को ऐसे उतार लेंगे और बीच वाला फंदा को इस तरह से उल्टा से बना देंगे। फिर इस फंदा को उतार लेंगे, फिर देखिए इसको इधर दबाएंगे और इसको हम फिर से उल्टा बना देंगे, तीन फंदा को उल्टा बना लेंगे। और फिर एक एक फंदा को ऐसे उतार लेंगे और बीच वाला फंदा को ग्रीन से ऐसे बुन देंगे और फिर लास्ट वाला जो ग्रीन है इसको हम उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। तीन फंदा को इसी तरह से हम उतारेंगे, तीन फंदा को फिर सफ़ेद से बुनेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। देखिए, दूसरा सिलाई हम उल्टा की तरफ से पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे तीसरा सिलाई सीधा की तरफ से। तो सीधा की तरफ से देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा को हम उतार लेंगे, एक फंदा को हम इसे सफ़ेद कलर के धागा से सीधा से बुन देंगे। और अब देखिए, यहाँ ग्रीन का जो तीन फंदा है उसका पहला फंदा को लेते हुए ऐसे ये दो फंदा को एक फंदा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा ये फंदा कम हो गया और ये बीच वाला जो ग्रीन वाला फंदा है इसको हम इस तरह से ग्रीन वाला फंदा को सीधा से बुन लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर इस दो फंदा को यहाँ पर, इस दो फंदा को मिला करके सफ़ेद वाला धागा से एक फंदा बना लेंगे, दोनों फंदा को सफ़ेद से मिला के एक फंदा बना लेंगे इस तरह। और अब हम एक फंदा को सफ़ेद से बुन देंगे। फिर देखिए, यहाँ पर जो दो फंदा है, पहला फंदा को इस तरह से लेते हुए ग्रीन का और सफ़ेद का मिला के एक फंदा बना लेना है और फिर ग्रीन वाला फंदा को ग्रीन वाला धागा से ही बुनना है।
तो इसको जो है हम ग्रीन वाला धागा से ऐसे बुन देंगे। ग्रीन वाला फंदा से बीच वाला फंदा को बुन दिए और ऐसे दो फंदा को मिलाते हुए, एक ग्रीन और एक सफ़ेद को मिलाते हुए, हम यहाँ पर सफ़ेद धागा से इसको हम बुनेंगे इस तरह से, देखिए बन जाएगा। और अब हम एक फंदा को सफ़ेद से बुन लेंगे, फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, इस फंदा को, दोनों फंदा को मिला के एक फंदा बनाएंगे, फिर इस बीच वाले फंदे को ग्रीन से बुनेंगे और फिर इस दो फंदे को सफ़ेद से बुनेंगे। फिर हम यहाँ पर एक फंदा को सफ़ेद से बुनेंगे और उसी तरह से हम पूरी सिलाई को बनाते जाएंगे। फिर ये दो फंदा को मिला के सफ़ेद से हम बना लेंगे, फिर एक फंदा सफ़ेद का बुनेंगे, फिर ये दो ग्रीन, एक ग्रीन और एक सफ़ेद मिला के एक फंदा बना लेंगे, फिर इसको हम ग्रीन को ग्रीन से बना देंगे बीच वाले को, और ये दो फंदा को फिर एक फंदा बनाएंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे, जितने भी फंदे आपके सिलाई पर होंगे इसी तरह से बनाते जाना है। तो हम पूरी सिलाई बना लिए हैं। तो इस तरह से देखिए ये आपका बन जाएगा, पूरा सिलाई इसी तरह से बन जाएगा। तो देखिए हम सीधा के तरफ से पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरफ से। तो उल्टा के तरफ से देखिए हम सफ़ेद वाला को, पहला फंदा को उतार लेंगे और जो सफ़ेद फंदा है इसको हम उल्टा से सफ़ेद से बुनेंगे, और जो ग्रीन फंदा है उसको हम इस तरह से दबाते हुए, इसको हम इस तरह से दबा लेंगे ताकि यहाँ पर होल नहीं दिखे, और ग्रीन को हम ग्रीन से बुन लेंगे। फिर जो है हम सफ़ेद को इस तरह से दबाते हुए सफ़ेद को सफ़ेद से बुनेंगे, फिर ग्रीन को ग्रीन से बुन लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो हम पूरी सिलाई यहाँ बना लेते हैं उल्टा के तरफ से। देखिए हम पूरी सिलाई उल्टा बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे सीधा के तरफ से। तो सीधा के तरफ से इस बार हमको फूल बनाना है, हमारा पत्ती कंप्लीट बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहला फंदा को उतार लेंगे और ये देखिए ये तीन फंदा को भी हम उतार लेंगे, और जो ग्रीन वाला फंदा है इस पे हम लगाएंगे रेड कलर का, और रेड कलर का लगा करके इस तरह से देखिए इस तरह से लगाएंगे और इसको गिराएंगे नहीं, और इसी पर जो है हम तीन फंदा फिर से बनाएंगे। देखिए इसको हम ऐसे दबा देंगे और इसको फिर से इस तरह से लाएंगे, और इसी फंदा पे, ग्रीन फंदा पे जिसको हम गिराए नहीं है उसी पे हम फिर से एक फंदा बना लेंगे। देखिए ऐसे तीन फंदा बना लेंगे, और ये जो सफ़ेद वाला फंदा है इसको हम इस तरह उल्टा से उतार लेंगे, फिर हम इस ग्रीन पर भी उसी तरह से तीन फंदा बनाएंगे। देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे, फिर धागा को ऐसे लपेट के पीछे की ओर ले जाएंगे और एक फंदा फिर से बना देंगे इसी में, देखिए इस तरह, फिर तीन फंदा को उतार लेंगे। देखिए दो हो गया, और फिर हम इस पे भी इसी तरह से बनाएंगे, देखिए एक, फिर इसको धागा को पीछे करेंगे और फिर उसी फंदा पे फिर से बना लेंगे। अब इस फंदा को गिराएंगे, इस तरह से हम पूरी सिलाई में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम पूरी फूल पर बना लिए हैं और हमारा ये सफ़ेद वाला बच गया है, और इसको तो अब हमें उतारना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं से पलट जाएंगे, यहाँ से हम इसको उलट देंगे और उल्टा के तरफ से अब हम बनाएंगे। तो उल्टा के तरफ से हम क्या करेंगे, धागा को हम पीछे कर देंगे इस तरह से, धागा को पीछे कर देंगे और ये तीन फंदा को हम इस तरह से, तीनों फंदा को इस तरह से तीनों फंदा में लेंगे और इसको सीधा से बुन देंगे। देखिए इस तरह सीधा से बुन देंगे, फिर धागा को आगे लाएंगे और ये तीन फंदा जो सफ़ेद का था इसको हम उतार लेंगे फिर से, फिर धागा को पीछे करेंगे और ये तीनों फंदा में इस तरह से डाल के एक साथ में सीधा से बुन देंगे, एक फंदा बना देंगे, तीन फंदा का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा को आगे लाएंगे और तीन फंदा को इस तरह से उतार लेंगे, फिर
फिर धागा को पीछे ले जाएंगे और तीन फंदा को एक फंदा कर देंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई में बनाते जाएंगे। तीन फंदा को उतार लेंगे, धागा को पीछे करेंगे और तीन फंदा का एक फंदा कर देंगे। तो हम पूरी सिलाई बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम सफ़ेद से चार सिलाई बनाएंगे। चार सिलाई का गैपिंग रखेंगे और उसके बाद हम फिर से इसी फूल को रिपीट करेंगे। तो हम एक सिलाई सफ़ेद का बना देते हैं और इसको रिपीट करके आपको दिखाते हैं। तो इसको अब जो रेड कलर का है इसको भी अब हम ऐसे सफ़ेद से बुन देंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को सफ़ेद से बना लेते हैं और चार सिलाई हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर एक सिलाई सफ़ेद का बना लिए हैं और इसको अब हम थोड़ा सा गैपिंग देके, जितना गैपिंग आपको देना हो गैपिंग दे करके इसका अब हम आगे बनाते जाएंगे डिजाइन, और इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट करके आपको दिखाए हैं, तीन चार लाइन हम बना करके आपको दिखाए हैं। तो ये पूरे में अगर दीजिएगा तो इस तरह से ये दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और ढेर सारा शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।